हेलो एवरीवन, ओमिका शायद के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं अभी अपना लंच प्रिपरेशन करने के लिए आ गई हूँ। मेरा गला सुन के आप लोगों को शायद पता चल रहा है कि मेरा 2-3 दिन से ना मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, कोल्ड कॉफ होके रखा है, तो इसीलिए आज राइस नहीं खाएंगे। आटा गूंद लिया है, आटा नहीं ये मैदा है, और इसके साथ हमने बनाया है ये, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए आलू फूल गोभी का एक ग्रेवी जैसा आइटम वो बनाया है, और इसमें मैं पराठा बना लूँगी इसके साथ, तो पराठे के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, पर बेटा ये नहीं खाएगा, उसके लिए तो राइस वगैरह बनाई हूँ मैं। और अभी खाना खा के थोड़ा जाना पड़ेगा फर्नीचर के स्टोर में, बिकॉज़ मेरा जो गेस्ट रूम और दीवान वो दोनों का जो गद्दा है ना वो पूरा ख़राब हो गया है, बहुत दिन पहले का था और मैंने चेंज भी नहीं किया, चल रहा है तो वैसे ही मैंने छोड़ दिया चलने दो, पर अब लग रहा है कि इसको चेंज करना ज़रूरी है, तो इसीलिए खाना खाने के बाद जाएंगे। और फिर अगर तबीयत सही रहा तो शाम के टाइम में मेला भी घूम के आएंगे, क्योंकि आज ही का दिन छुट्टी होता है सैटरडे संडे, और बाकी दिन तो कामकाज में बीत जाता है, तो जितना भी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो कोशिश करती हूँ कि संडे या सैटरडे दोनों जो दिन होता है वो थोड़ा सा घूमना फिरना और जो भी सारे कामकाज रहता है वो ख़त्म करना। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये हो गया है, अभी इसको 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, ढक के रखेंगे ऐसे, 10 मिनट बाद बनाएंगे। और ये भी बनी है, सिर्फ थोड़ा गर्म मसाला इसमें ऐड करेंगे, बस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है मैंने, तो इसमें थोड़ा सा अभी गर्म मसाला डाल देती हूँ। हो गया, अभी खाना खा के निकल जाएंगे, फिर उन लोग भी आए, जो भी मतलब वहाँ के लोग हैं वो आके फिर ये दो गद्दा सेट करके जाएंगे। अगर फिर मेरी तबीयत सही रहा तो घूमने के लिए जाएंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Thank you.
এরকম সোফা আছে না, এরকম কালারের সোফা আছে না আমাদের? চল ফোন নাম্বার এটা দিয়ে দাও না। বাবু স্লোলি फिर से वापस आ गई हूँ। मेरा पूरा सारे जो भी काम था सब कंप्लीट हो गया है, मेला घूमना भी हो गया है। ज़्यादा देर तक नहीं रहे, एक घंटे तक रहे थे, पर एक घंटे में ना बहुत सारे शॉपिंग किया। आप लोगों के साथ सब कुछ मैं शेयर करूँगी अभी। तो सबसे पहले दिखाऊंगी ये क्यूट सा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, टेडी। तो ये है इरेजर है एक, और ये है शार्पनर, ट्विन वन है ये। 40 रुपीज़ ऐसा लिया था गाड़ी में ही आके, मतलब मेरा बेटा गाड़ी से इसको पूरा जो रैप किया हुआ था ना वो खोल दिया। और फिर मैंने अपने लिए ये लिया है, ये एक 10 रुपया का एक ऐसा बैंड है, स्क्रंचेस बोल सकते हो, और ये 20 का, इतने सारे क्लिप्स हैं। और मैंने बहुत सारे खाने का आइटम भी लिया है, एक के बाद एक दिखाती हूँ आपको। ये है, ये है एक सेव है, बड़े बड़े दाने का ऐसा। और दूसरा लिया है ये वाला, ये थोड़ा सा स्वीट स्वीट है पर अच्छा है। और लिया है ढेर सारे अचार, देखिए मैंने ऐसे आने के बाद तुरंत ये पैकेट में दिया था, फिर मैंने आने के बाद मेरे जो कांच का जो भी जार जैसा टाइप का है उसमें रखा है मैंने। ये है काम का अचार,
इसका तो बहुत ही अच्छा स्मेल है। ये मीठा वाला नहीं है, बाकी ये दो मीठा वाला है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये देखिए ये ऐसा है, और ये है चेरी और बाकी कुछ, चेरी के साथ आंवला वामला ये सब दे के ये एक अचार है। और नींबू भी है थोड़ा, छोटा छोटा करके नींबू है। और जो लाल मिर्च होता है ना, वो होल लाल मिर्च को भी कुटी ऐसे कट करके, कुटी हुई लाल मिर्च जो है इसमें डाला है। इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है। रोटी पराठा राइट सबके साथ खा सकते हो। और एक चीज़ है, ये है बनारसी पान मसाला, ये भी लिया है मिनट। ये देखिए ये, पहले एक बार भी ये मेला हुआ था तो ये हमने उस टाइम भी लिया था, बहुत अच्छा है। और क्या लिया है? और लिया है ढेर सारे पापड़। ये देखिए रंग बिरंगे कलरफुल पापड़। ये देखिए ये हाफ के जी सब मिला के दिया है। ये स्वीट स्वीट पापड़ है, ये वाला स्वीट पापड़ है। ये बोला था कि मीडियम, जब आँच आपका मीडियम हो, ज़्यादा इसमें नहीं होगा, ज़्यादा फ्लेम मत कीजिए, मीडियम फ्लेम में बनाइएगा। और बाकी ये सारे जो पापड़ होते हैं, नॉर्मल पापड़ है, साबुत के पापड़ है, और ये है रागी वाला पापड़, ये बहुत टेस्टी है। ये है पंजाबी मसाला पापड़, दिखाती हूँ, हाथ में नहीं आ रहा है। ये बोला कि पंजाबी मसालेदार पापड़ है, और ये पिछाड़ी के पापड़ है, और ये लंबा लंबा पाइप जैसा जो है ना, ये बहुत टेस्टी है। ये रागी वाला पापड़ है। वैसे हम लोग पापड़ बहुत ज़्यादा लेते हैं राइस के संग, फिर चाय के टाइम में, मेरा बेटा भी बहुत पसंद करता है। ये वाला पापड़ है, ये तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, साबू के पापड़। और ये रिंग रिंग वाला ही छोटा छोटा, ये भी रागी रागी का ही है कुछ वाला। तो सब मिला के मैंने आधा के जी ले लिया है। ये लिया है रंगोली का सामान। ये देखिए सामने दिवाली है, फिर दशहरा, दुर्गा पूजा सभी है, तो इसमें चार ऐसे आते हैं। ये दिया है ऐसा, और इसमें ये बिठा के फिर कलर करते हैं। ये देखिए एक एक ऐसे दिए वाला, और एक वैसा वाला लक्ष्मी जी का पैर ऐसा, और एक है लक्ष्मी। ये चार मिला है, और इसके साथ कलर भी दिया है, और हाँ इसके साथ और एक छोटा सा ऐसे ओम भी लिया है, ये वाला। ये 20 रुपीज़ का लिया था, और ये शायद टोटल 170 या 180 ऐसा लिया था, मुझे ठीक याद नहीं हो रहा है। और इसके साथ ये दिया है, ये 90 रुपीज़ का है, ये कलर दे दिया है, बहुत सारे कलर हैं। और इसमें उन लोगों ने वाइट कलर, दिखाती हूँ कौन सा तरीके से खोलता है पता नहीं मुझे, एक मिनट। ये देखिए इसमें उन्होंने वाइट कलर भर के दिया है थोड़ा सा, और ये है वो, यहाँ से इसके ऊपर ऐसे घुमा के आप कर सकते हो रंगोली, बहुत इजी है। वहाँ से दिखा भी दिया है, लग तो रहा है कि इजी है, पर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं भी कर पाऊँगी। और क्या लिया है, हाँ और एक चीज़ लिया है, दिखाती हूँ, ये मैट, ये रग है, आप आपके बेड के नीचे बिछा सकते हो। एक मैं खोल के दिखाती हूँ, वैसा कलर भी बहुत अच्छा है इसका, देखिए ये देखिए ऐसा है। ये 750 बोल रहा था तो 400 में दिया है, पता नहीं कि ठीक दिया है या मैं ज़्यादा दाम दे चुकी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर
पर मेरे ख्याल से 400 तो ठीक ही होगा। ये कलर देखिए बहुत अच्छा है। ये मैं अपने बेडरूम के जो नीचे है वो बेड जहाँ पे है उसके नीचे ये बिछाऊंगी, ऐसा सोच के रखा है। ये देखिए लाल लाल थे और काला टाइप का भी था, पर मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदा है, देख सकते हैं 1 घंटे में बहुत सारी शॉपिंग कर लिया है मैंने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और मगर अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टाटा एंड टेक केयर।